हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन इलेक्ट्रिकल। दोस्त, आज हम लोग सीखने वाला है घर में जो अर्थिंग किया जाता है वो कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज लगता है और क्यों अर्थिंग करना जरूरी है और किस टाइप का अर्थिंग होता है घर में, अर्थिंग करने के टाइम क्या क्या जरूरत पड़ता है वो मैं इस वाला वीडियो में आप लोग को बताता हूँ। आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए, मैं पहले अर्थिंग कौन सा टाइप का होता है घर के लिए यूज करने के लिए, ये देखिए। पहले रॉड टाइप वाला अर्थिंग होता है और दूसरा नंबर में जो है ये पाइप वाला अर्थिंग होता है और जो तीसरा नंबर में है वो प्लेट अर्थिंग होता है और चौथा नंबर में जो है वो स्ट्रिप अर्थिंग होता है। अभी मैं समझाता हूँ ये देखने के लिए कैसा लगता है, रॉड वाला अर्थिंग देखने के लिए कैसा लगता है। देखिए, रॉड वाला अर्थिंग का मैं रॉड वाला अर्थिंग ऐसा होता है, एक सरिया है, इसका ऊपर जीआई का एक कोटिंग रहता है, ये रॉड वाला अर्थिंग है, ये रॉड वाला अर्थिंग। अभी पाइप वाला अर्थिंग है, तो पाइप वाला जो अर्थिंग है, पाइप वाला अर्थिंग में देखिएगा ऐसा ऊपर में होल जैसा रहता है, नीचे तक इतना आ जाएगा, ऐसा कटिंग रहता है, वो बीच बीच में कहीं ऐसा होल रहता है, कहीं पे नहीं रहता, ये पाइप वाला अर्थिंग हो गया। अभी तीसरा नंबर में जो प्लेट वाला अर्थिंग कैसा होता है, प्लेट वाला देखिए, ये स्क्वायर वाला एक प्लेट रहता है, ये प्लेट कम से कम 3 mm तक होना चाहिए, तो ये प्लेट वाला अर्थिंग ऐसा होता है, ये प्लेट एक रहता है स्क्वायर का। अभी जो स्ट्रिप वाला अर्थिंग है, ये स्ट्रिप वाला अर्थिंग, ये स्ट्रिप वाला अर्थिंग कैसा होता है, इसमें देखिए ऐसा एक जीआई का पट्टी जैसा रहता है, ये स्ट्रिप वाला अर्थिंग ऐसा देखने के लिए होता है। तो अभी मैं समझाता हूँ जो हमारा घर में यूज किया जाता है वो कौन का पर्पस में यूज किया जाता है। पहले देखिए, एक नंबर में जो है हमारा घर में जो सेफ्टी है, सेफ्टी के लिए यूज किया जाता है अर्थिंग। अभी दूसरा नंबर में जो है घर में हम लोग जो न्यूट्रल यूज करता है, फेज न्यूट्रल, वो न्यूट्रल का कम हो जाता है उसके लिए हम लोग एक अलग से न्यूट्रल वाला एक के लिए एक अर्थिंग करता हूँ। अभी तीसरा नंबर में जो आता है वो हमारा जो बारिश का टाइम पे जो बिजली गिरता है, वो बिजली गिरने से आदमी को नहीं तो बिल्डिंग को बचाने के लिए वो हम लोग जो एक लाइटिंग एरेस्टर लगाता हूँ, आप लोग देखा होगा शायद बिल्डिंग का ऊपर लगा है, लाइटिंग एरेस्टर बोलता है, ये तीप फला रहता है ऐसा, तो उसका क्या अर्थिंग के साथ कनेक्टेड रहता है, उसके लिए हम लोग एक अर्थिंग यूज करता है। तो फिनाइल करेगा, अभी फिनाइल हम लोग जो सेफ्टी के लिए बात कर, सेफ्टी के लिए जो अर्थिंग होता है वो कैसे यूज कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करेगा। तो देखिए मैं बता दो, ये जो रॉड वाला अर्थिंग इसको कैसे किया जाता है, रॉड वाला एक आप जीआई वाला रॉड ले लिया है, 2 से 2.5 मीटर तक रॉड ले लिया है, उसको क्या करना है, डायरेक्ट जमीन जो है, जमीन में डायरेक्ट इसको गाड़ देना पड़ेगा। तो गाड़ने के बाद देखिए, इसमें आप अर्थिंग लगा दिया, रॉड लगा दिया, रॉड लगाने के बाद इसमें एक नट बोल्ट लगा के आप अर्थिंग के लिए यूज कर सकता है, ये रॉड वाला आपका अर्थिंग हो गया है। इसको आपको चारकोल नमक ये सब कुछ डाल नहीं पाएगा क्योंकि इसमें तो आप घाटा नहीं खोदा है, तो आप इसको डाल कैसे पाए, तो ये एक नंबर वाला हो गया है। रॉड वाला अर्थिंग कैसे करना है, ये सिंपल सा है, ये आसानी से हो जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में पाइप वाला जो अर्थिंग, ये पाइप वाला जो अर्थिंग किया है, पाइप वाला अर्थिंग कैसे करना है, ये पाइप वाला अर्थिंग कैसे करना है, इसके देखिए जमीन में आपको कम से कम 3 मीटर तक गड्ढा खोद देना पड़ेगा। उसके बाद पाइप जो आप 3 मीटर जो भी लिया है उसको अभी ध्यान रखना, पूरा जमीन का अंदर नहीं गाड़ देना, इसको जमीन के ऊपर थोड़ा सा भी रहना चाहिए। बाद में ऐसा करके आप डालने के बाद इसमें आप चारकोल नमक लेयर बाय लेयर डाल सकता है, पहले 15 सेंटीमीटर तक कम से कम नमक डाल देना चाहिए, उसके बाद चारकोल डाल देना चाहिए, ऐसा करके आप इसको फिलअप कर देगा, क्योंकि ये एक साथ में भी आप डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा करके इसको डालने के बाद ये ऊपर में एक पॉइंट है, इधर से आप अर्थिंग के लिए यूज कर सकता है, ये पाइप वाला अर्थिंग आपका हो गया है। अभी तीसरा नंबर में है जो प्लेट वाला अर्थिंग है, ये प्लेट वाला अर्थिंग कैसे किया जाता है, ये देखिए,
ये जमीन में ऐसा करके आपको 2 से 2.5 मीटर खाटा करना पड़ेगा, उससे ज्यादा भी कर सकता है, क्योंकि जमीन में आपको जितना तक नीचे जाएगा उसको आपको ज्यादा गीला तर मिलेगा, क्योंकि गीला जितना रहेगा उधर से आसानी से आपको अर्थिंग मिलेगा, इसीलिए थोड़ा गड्ढा ज्यादा करेगा तो आपको अर्थिंग बराबर मिलेगा। तो इसके बाद आप इधर एक प्लेट डाल दिए, प्लेट वाला अर्थिंग में प्लेट डाल दिया, तो प्लेट का इधर से आप डायरेक्ट एक नट बोल्ट के साथ एक वायर लगा के अर्थिंग ले सकता है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं है तो आप इधर से जमीन से एक पाइप भी लगा सकता है जमीन का ऊपर तक, तो पाइप से आप अर्थिंग ले सकता है। तो इसमें आपको बाद में पानी भी डाल सकता है, ऐसा करके आप प्लेट वाला अर्थिंग कर सकता है। तो प्लेट वाला अर्थिंग देखा है हमेशा जो हमारा इंडस्ट्रियल रहता है उसमें किया जाता है, क्योंकि उसमें ज्यादा आपका कारंट लीकेज होता है, इसीलिए इसको किया जाता है, वे घर पे भी यूज किया जाता है। अभी जो चौथा नंबर में है वो स्ट्रिप वाला अर्थिंग है। स्ट्रिप वाला अर्थिंग कैसे किया जाता है, देखो स्ट्रिप वाला अर्थिंग के लिए भी आपको ऐसा गड्ढा करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा ज्यादा नीचे तक तो आपको जाएगा तो उसको आपको ज्यादा गीला मिलेगा, उसी टाइम पे आपको उसी जगह पे आपको एक पोटी रख देना पड़ेगा, इधर से एक वायर लेके आप अर्थिंग में कनेक्शन कर सकता है। ये आपका पटरी वाला अर्थिंग हो गया है, लेकिन ये वाला जो अर्थिंग है, जो हमारा पाइप वाला अर्थिंग है, ये सबसे बेटर अर्थिंग है, क्योंकि इसमें आसानी से आदमी को अर्थिंग मिल जाता है, अर्थिंग का कभी प्रॉब्लम होगा तो आप ऊपर से इसमें पानी डाल सकता है तो आपको अर्थिंग बराबर मिल जाएगा। और जो रॉड वाला अर्थिंग है ये टेम्पोरली के लिए यूज किया जाता है, ये टेम्पोरली के लिए यूज किया जाता है, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकता है, ये चारों तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा ऐसा वाला पाइप वाला जो है वो यूज करने से आपको बेटर है, आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि जमीन के जितना नीचे तक जाएगा उतना आपको आसानी से अर्थिंग मिलेगा। और कभी भी याद रखने का, घर में जब भी आप अर्थिंग करेगा आप ऐसा वाला जगह चुन लेने का जिधर आपका मिट्टी का नीचे ज्यादा गीला है, जिस साइड में हर टाइम ज्यादा गीला रहता है उसी जगह पे आप अर्थिंग करिए, क्योंकि उसी जगह पे आपको हर टाइम अर्थिंग बराबर मिलेगा, आपका घर में जो लीकेज करंट होगा वो आसानी से जमीन में चला जाएगा। तो ऐसा करके आप कनेक्शन करिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और हमारा चैनल में आप नया हैं तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके हमारे साथ जुड़ा रहिए, क्योंकि आगे हम ऐसा वाला वीडियो आप लोग को दिखा सकता है।